أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما أوقفتم ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحكم زن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ان الله مع الذين اتقوا والذين هم शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नेत रहम वाला है और अगर तुम उनको तकलीफ देनी चाहो तो उतनी ही दो जितनी तकलीफ तुमको उनसे पहुंची और अगर सब्र करो तो वो सब्र करने वालों के लिए बहुत अच्छा है और सब्र ही करो और तुम्हारा सब्र भी खुदा की मदद से है और उनके बारे में गम ना करो और जो ये बद अंदेशी करते हैं उससे दंग दिल ना हो कुछ शक नहीं कि जो परहेजगार हैं और जो नेकूकार हैं अल्लाह उनका मददगार है हज़रत अबू हदारा रजील से रवायत है कि नबी करीम ने फरमायादका नहीं होती और जो बंदा दरगुजर करता है अल्लाह तक की इज्जत पढ़ाता है और जो बंदा अल्लाह के लिए आजजी करता है अल्लाह तर्जा बुलंद करता है बसमिल्ल रन रही मोहतरम नाजरीन असल पयाम सुब के साथ एक बार फिर आपका मेज़बान अनीक अहमद हाजिर है पयाम सुब में आज का मौजूद अफ वो दरगुजर खौतिनत जैसे कि अभी हमने तलावत दिक, तलावत कलाम पाक सुनने की सदत हासिल की अल्लाह ताली फरमाता है कि तुम बदला लेने की तुम में इजाजत है क़ुदरत है लेकिन बेहतर है कि तुम सबर से काम लो और माफ़ कर दो एक और जगह कुरान करीम फरमाता है कि दरगुजर करो और लोगों को माफ कर दो क्योंकि क्या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हें माफ किया जाए खातिन हजरात हम अपने माशरे में देखते हैं हमारे माशरे में माफ करना दरगुजर करना नजरअंदाज करना रफ्तार रफ्ता खत्म होता जा रहा है और हम किसके उम्मती हैं हम उम्मती हैं सरकार दो आलम सल्ला वसलम के कि जो तइफ में जख्मी हैं लेकिन कोई वद्दुआ नहीं फरिश्ता आता है और फरिश्ता आकर यह कहता है कि अगर आप हुक्म दें तो हम इन पहाड़ों के दरमियान इन नाफरमानों को इन गुनाहगारों को पीस कर रख दें आप फरमाते हैं नहीं इन्हीं की औलाद में से दीन के ख़िदमतगार पैदा होंगे खौतिनजरात हम अक्सर एक वाकया सुनते रहते हैं और अपने ईमान में इजाफा करते रहते हैं लेकिन कभी हमने इस वाक्य की रूह तक झांकने की कोशिश की वो वाक्य ये कि रोज आना एक औरत आती आप पर कचरा फेंकती और चली जाती एक दिन वो नहीं आई आप दरिया फरमाया कि वह औरत कहां है मालूम हुआ कि बीमार है आप उसकी आयादत के लिए मिजाज पुर्सी के लिए उसके घर तशरीफ ले गए खातिन हजरात सुबहान अल्लाह और सबसे बड़ी मिसाल तारीख इंसानियत की फता मक्का हो रहा है गुजुर तशरीफ ला रहे हैं मक्के में दाखिल हो रहे हैं सर झुका हुआ है लोगों को माफ कर दिया ला तसरीबा अलेकुमुल यौम आप पढ़ रहे हैं यह आयत वो वही आयत है कि जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ करते हुए पढ़ी थी खौतन हजरात अपने भाइयों को माफ करना बड़ा आसान हो जाता है लेकिन जान के दुश्मनों को माफ करना बहुत मुश्किल काम है आज हम बात करेंगे अफ दरगुजर के मौजू पर दीन हमें क्या तालीम कर रहा है और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हम जिसके उम्मती हैं सरकार दो आलम सल्ला वसलम की जो सीरत है आपकी जो सुन्नत है वह हमें क्या तालीम करती है क्या रोशनी फराहम कर रही है क्योंकि हमें मालूम है कि माफ करना सुनत नबी सल्लाह वसलम इससे पहले कि हम शुरू करें सवालत का सिलसिला और मेहमानों से तारुफ में कराऊं कोइज और इस हवाले से सिर्फ एक दरख्वास्त आपकी खिदमत में यह है क्योंकि हमारे पास मेल्स का ई मेल्स का खासतौर पर एक तवील सिलसिला रहता है तो जो सही जवाब आपका आए तो उसमें सब्जेक्ट में कोइज या आज का सवाल लिख दिया जाए तो उन ईमेल्स को जो कि जिस जिनका ताल्लुक कोइज कॉम्पिटिशन से उनको अलहदा रखने में बहुत आसानी हो जाएगी कल हमने सवाल पूछा था आपकी खिदमत में कि उमर सानी किस शख्सियत को कहा जाता है तीन ऑप्शन थे हजरत उमर फारूक रजाल्लाह तला दूसरा ऑप्शन था, था। हजरत उमर बिन अजीज हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज अल्लाह तला और तीसरा ऑप्शन था सलाहुद्दीन अयूबी रहमत लाइ ऑप्शन जैसे कि आप और हम सब जानते हैं कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज अल्लाह तो आज का सवाल कोइज कॉम्पिटिशन का कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है पहला ऑप्शन सूरह बकरा दूसरा ऑप्शन सूरह आले इमरान तीसरा ऑप्शन सूरह निशा आप हजरात जानते हैं कि आप हमें टेलीफोन के जरिए ई मेल के जरिए रवाना करते हैं आप दुरुस्त ऑप्शन हमारे फोन नंबर हैं जीरो टू वन थ्री फोर फाइव टू सेवन डबल जीरो नाइन जीरो टू वन थ्री फोर फाइव टू एट जीरो सिक्स वन और ईमेल एड्रेस है हमारा पी एस एट दुनिया डॉट और आप हमें दुरुस्त ऑप्शन एस एम एस कर सकते हैं थ्री जीरो थ्री वन पर तशरीफ फरमा है मोहतरम मौलाना मोहम्मद असद थानवी साहब खातिन नजरत मुमताज आलमद्दीन कौन आपसे वाकिफ नहीं तशरीफ लाते हैं और हमेशा हम आपसे मुस्तफ होते हैं दूसरे मेहमान हमारे कई किताबों के मुसनिफ साहिब निगाह मोहतरम मुफ्ती नजीर अहमद खान साहब प्रोग्राम का आगाज हम करना चाहेंगे मौलाना मोहम्मद असद थानवी साहब थे थानवी साहब मैंने कुछ इंट्रो में कहने की कोशिश की अफव दरगुजर के हवाले से कुरान करीम क्या कहता है पहला सवाल बिसमान रहीम अनीक साहब आपने आज बहुत अच्छा मौजू इख्तियार किया है अफव दरगुजर का इंसान को जो अली सिफात अल्लाह ने नेता फरमाई हैं जिनसे एक अच्छा माशरा तशकील पाता है उसमें इनफरादी तौर पर अफराद में अफवा दरगुजर एक ऐसी चीज़ है कि अगर ये इंसानों में पैदा हो जाए तो वो माशरा एक बेहतरीन माशरे की शक्ल में तब्दील हो सकता है बदकस्मती से हमारे माशरे के अंदर इसकी बड़ी कमी है अफवा दरगुजर की अगर हम कर्न पाक का मुाला करें अहादी से नबिया का मताल करें जैसा कि आपने भी इंटरव्य फरमाया और अभी सरनामे में जो आयत करीमा तिलावत की गई कि ने फिर वाकब तुम फिमस्म तुम भी, भी। इस्लाम का यह है कि अगर किसी ने आपको कोई गज़ंद पहुँचाई है तो उतनी ही गज़ंद आप उसको पहुँचा सकते हैं लेकिन उसमें इजाफा ना करें जैसे तो दूसरी जगह कुरान पाक में फरमाया कि फमनक फातदा बतक लंबी अगर किसी आदमी से कोई तकलीफ आपको पहुंचाती है आप तो आप उसको जवाब में उतनी ही तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं उसमें ज़्यादा ज्यादती की इजाज़त नहीं है इसी तरह कुरान पाक में अल्लाह तरमाया वतबना आलिन फ़िहा अन नफ्स बिल नफस वलआन बिलआनी वल अनफ़ बिल अनफ वलून अब बिलज़ूनी व सन्न बिल सन्नी वल जुरो हा के सास फिर फमन तसद का भी वह यानी अल्लाह ताली ये फरमाते हैं कि अगर किसी आदमी ने किसी आदमी को कोई गज़न पहुँचाई दांत तोड़ दिया आँख को नुकसान पहुँचाया कान को हाथ को नुकसान पहुँचाया तो उसको भी किसास और और कुरान पाक में वलकुम फ़िरकसा किसास हयात अल्लाह ताली फरमाते हैं कि देखो जान के बदले में जान आजा के बदले में आजा इसको ये ना समझो कि कोई जियाती की जा रही है बल्कि वलकुम फ़िल्कसा किसास हयात किसास हया, के अंदर अल्लाह ताली ने ज़िंदगी रखी है यानी कुरान पाक के कहने का मकसद ये है कि अगर किसास में बदले में जो तकलीफ एक आदमी को पहुंची है वो तकलीफ पहुंचाने वाले को भी पहुंचाई जाएगी तो इसमें आने वाले जमाने के लिए अमन होगा और जिंदगी यानी उसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है लेकिन साथ ही साथ ये तो एक उसूली बात कुरान पाक ने बयान फरमा दी लेकिन कुरन कहते फमन अफा वह फाजरू कि अगर तुमने माफ कर दिया अगर तुमने जियाती करने वाली की जियाती को माफ कर दिया एक आदमी ने मुझे गाली बकी मुझे बुरा भला कहा जनाब रसूल सल्ला वसलम ने फरमाया था कि अलादमाकम व अम्वाल व आराजाकम हराम कहरमति ओमिकुमा हजाफी शार को आजाफी वलदी कुम आजाफ़ खुदब हजरतलविदा में जनाब रसूल सल्ला वसलम ने यह तारीख़ी जुमला एक साथ फरमाया किए मुसलमानों तुम्हारा खून दूसरे के ऊपर तुम्हारी जान दूसरे के ऊपर तुम्हारा माल दूसरे के ऊपर और तुम्हारी इज़्ज़तें एक दूसरे के ऊपर हराम है लेकिन आप जानते हैं कि हमारे यहाँ माशरे में अगर कोई कारोबारी रकाबत हो जाती है सियासी रकाबत हो जाती है तो आदमी ऐसे ऐसे इल्जाम उस फरीक मुखालिफ पर लगाता है और उसके अहर खाने पर लगाता है कुछ सुनने वाला सुन के हैरान रहदूद है। नहीं होती हदूद नहीं होती क्यों और जितने ज्यादा इल्जाम लगाए जाएँ जितनी ज़्यादा बेजती की जाए उतनी ही बहादुरी तस्वर होती है मुफ्ती साहब जैसा कि अपरमाया कि आँख के बदले आँख और किस हाथ में हयात है कुरान करीम हमें दर्ज दे रहा है क्यामत तक के लिए अच्छा हम देखते हैं कुरान करीम से जरा पहले हजरत ईसा सलाम जिन्हें माने बगैर हमारे ईमान मुकम्मल नहीं होता आप फरमाते हैं कि अगर तुम्हें एक गाल पर तुम्हारे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो एक मोहब्बत का यह अंदाज इंसानियत का एक अंदाज भलाई पेश की जाए बुराई के जवाब में लेकिन करीम हमें विशाल फरमाता है कि तुम बदला ले सकते हो शरीयत की हुदूद में रहते हुए लेकिन बेहतर यह है कि तुम माफ कर दो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ करे इस पर कुछ आफो का अगर हम इसकी तारीफ और मफहम अगर अगर हमें समझ में आ जाए तो सारी चीज़ें आसान हो जाती आफो इसकी जो तारीफ लिखी है मौजम और लतलफ कहा में वो ये इस्कातुल इसकातुल का आला गरिक अपने उस हक को माफ करना जो आपका वो हक बनता है कि आप वो हक लें जो आपका बनता है दूसरे पर लेकिन हक लेने के बजाय आप उसे माफ कर देते कुरने करीम की आयत है जिसकी तरफ हजरत मौलाना साहब ने इशारा फरमाया जज़ा उस सही आती सैयातुल मिसलोहा कोई आपके साथ बुराई करे तो आपको बदला लेने का कानूनी दायरे में कानून के दायरे में शहरी दायरे में आपको बदला लेने का हक है फमन आफा व असलह आपने माफ किया और फिर अपने हालात भी उसके साथ दुरुस्त करे ऐसे नहीं कि माफ कर दिए और फिर वो दिल में बात है अपने आपको दुरुस्त करा हालात भी सही रखे जरू वाल अल्लाह की ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताली आपको उसका अजर देगा तो देखें इस्लाम जो हमें तालीम देता है अखलाकियात की भी तालीम देता है और कानून की पासदारी की भी तालीम देता है मेरा एक कानूनी हक है मुझे शरीयत एक रास्ता मुझे मजबूर नहीं करती शरीयत कि मैं हर सूरत में माफी करूं एक रास्ता मुझे शरियत ये भी देती है कि मैं अपना जो कानूनी हक है वो हर सूरत में वसूल करूं हक है।, है लेकिन इस हक के बजाय अगर मैं ये करूं कि अगर मैं माफ कर दूं तो माफ करने को आला अखलाक करार दिया गया है ठीक है अखलाक हो या कानून हो दोनों का ताल्लुक किसी मकसद को पा लेने के लिए होता के लिए है कानून मकसद नहीं होता है किसी को किसी मकसद को पा लेने का जरिया होता है तो यहां पर जो कानून नाफिज किया जा रहा है या इजाजत दी जा रही है एक बंदे को पुराने करीम इजाजत दे रहा है कि तुम बदला लेने का तुम्हें मुकम्मल इख्तियार है शरी हुदूद में लेकिन जो अब देखें जनाब स्यल्लाहु स्यल्लाहु की है, कि हजरत मरियम सलात के वालिदे महतरम हजरत इमरान सलात ने अल्लाह ताला से पूछा कि अल्लाह सबसे बड़ा आदमी सबसे ज्यादा इज्जत रखने वाला तेरी नजर में कौन आदमी है फरमायादारा जब उसे काबू मिले तो वह माफ करते और कुरने करी में गुस्से के वक्त में गुस्से के वक्त में वो दूसरों को माफ कर दें यह है कमाल ठीक है गुस्से को हराम करार दे दिया गया है और अगर गुस्सा आए तो क्या फरमाते हैं सरकार दो आलम अलैहि वसल्लम कि अगर तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, जाओ बैठे हो तो लेट जाओ पानी पी लो वजू कर लो और इससे इस भी थोड़ा सा अगर हम आगे जाए देखें करीम की जो आयत है नहीं। नहीं। मिन हौलिक, फाफु फिल आजम तफतर अभी दे, देखें ये जो आयत है ये पता है कहां के बारे में इस्लामी जो गजबात हैं जनाब रसूल करीम सलील वसलम ने जितनी जंगें लड़ी हैं सबसे ज्यादा मुसलमानों का नुकसान गजद में और वो उन सहााम रजवानल्ला अजमइन की वजह से हुआ कि रसूल करीम सलील्ला वसलम ने इशाद फरमाया था कि हर सूरत में यहाँ से तुमने हटना नहीं है और फिर उनके जो अमीर थे उन्होंने भी मना किया कि हटना नहीं है लेकिन इश्तिहादी गलती की वजह से वहां से हट गए और उनकी वजह से मुसलमानों का इतना जबरदस्त नुकसान हुआ अब सवाल यह होता है इतना जबरदस्त नुकसान अगर किसी फौजी से हो जाए और उसका रिकॉर्ड अच्छा हो तो हमारा उसके साथ मामला क्या होता है जहन में बात यह आती है कि वो जो हजरत सहाबा के राम रजवानलम अजमाइन थे उनका भी कोर्ट मार्शल होना चाहिए था लेकिन रसूल करीम अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मामला क्या फरमाया कुरान करीम ने की जी 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 आयत है कि अल्लाह के रहन की वजह से आप इनके लिए नरम हुए हैं वालकुन तफजन गलीज अल अगर आप तुर् जबा होते सख्त मिजाज होते तो ये आपके इर्द गिर्द जो लोग थे ये आपके इर्द गिर्द न रहते सारे सारे बिदक जाते और हट जाते फाफआन हो इनको माफ कर दें वस्तफिर लो और इनके लिए अल्लाह ताला से मफरत की दुआ करें और इनकी दिलजोई के लिए यह नहीं कि माफ कर दी और साइड पे कर दिया व शाविर फिल अमर इनको अपना अपने करीब करें और करीब करने के लिए कि जब भी कोई मामला हो इनसे मशवरा लें एक बड़ा आदमी छोटे से मशवरा लेता है यह इस बात की दलील है कि उसने दिल से उसको माफ कर दी ठीक है और माफ अपने से छोटो इसी तरह का एक वाक अगर आप इजाजत इसी तरह का एक वाक्य देखिए फतेह मक्के में अगर जनाब रसूल करीम वसल्लम तैयारी फरमा रहे हैं कि बगैर खून खराबे के मक्का फतह हो जाए अब अगर 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 ये, ये जो तैयारी थी अगर मुशरकी ने मक्का को ये तैयारी मालूम हो जाती तो उस वक्त अक्सरियत जो थी उस ज़माने फतेह मक्के से पहले मुशरकों की थी पूरा अरब उड़ा थ, उ, उड़ जाता और जबरदस्त खून खराबा होता और ये जो ये जो ये जो खबर देने वाले थे वो एक सहावी थे हातिब इबन अभी बलता खत लिखा जनाब रसूल करीम अलैहि वसल्लम ने हजरत अली करमल्लाजहू को भेजकर वो खत जो है उस उनको उस खातून को पकड़ा और वो खत पकड़ा गया सख्त नाराज, नाराज हुए नाराज हुए और हजरत मर फारूक रजी अल्लाह तारा उन्होंने फरमाया कि आप हुक्म दें इसकी गर्दन जो है लेकिन जनाब रसूल करीम सल्लाह वसलम ने फरमाया कि ये इससे जो गलती हुई है यह बदनीति की बुनियाद पर नहीं नेक नीयति की बुनियाद पर क्यों इसलिए कि जो इसका पिछला किरदार है कैरेक्टर है वो बड़ा जबरदस्त है ये शरीक है ये ये हमारे साथ शरीक रहा है गजवे बदर में और गजवे बदर में जो शरीक होने वाले अल्लाह ताला ने उनकी बदरी साहबा बदरी साहब अल्लाह सुबहान अल्लाह आप थानवी साहब बहुत सारी बातें बहुत सारे निकात मुफ्ती नजीर साहब की गुफ्तु के नतीजे में जहन में आ रहे हैं अब ये कि एक अमल किसी से होता है यानी एक गलती किसी से सरजद होती है तो हम आमतौर पर यह करते हैं कि जो उसकी तमाम पिछली खूबियां थी उन सबको बिल्कुल भुला देते है। हैं।, हैं और उसके खिलाफ हो जाते हैं यहां जो अमल कितना कितना ये शदीद जुर्म था फतेह मक्का से पहले ये इतला फराहम कर देनी जी जी इस पर कुछ फरमाइए ये कबल इसके कि मैं आपकी इस बात का जवाब दूं जो आपने अभी हिंजील का जो जिक्र किया हजरत ईसा ले सलाद हुआ सलाम का कि अगर कोई तुम्हारे एक कल्ले पर थप्पड़ मारे तो दूसरा तो फितरत इंसानी के खिलाफ है फितरत इंसानी यह है कि अगर एक आदमी मुझे कोई नुकसान पहुंचाता है तो अब मेरा दिल चाहता है कि मैं उससे बदला लूँ तो शरीयत इस्लामी ने फितरत इंसानी के मुताबिक उसको इजाजत दी लेकिन फरमाया फमन अफावाह रू अल्लाह कि अगर तुम उसको माफ कर दो तो तुम्हें अल्लाह की तरफ से अजराता फरमाया जाएगा जी अब आप फरमाया मैं जा... वो सवाल बिल्कुल सुबह सुबह और यहाँ पर कंपलीशन हो गया आपकी ये बात कि हजरत मशेल इस्लाम फरमा रहे हैं कि दूसरा गाल आगे कर दो लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदे को ये पावर्स दे रहा है कि अगर वो चाहता है तो शर्दू में रहते हुए बदला ले ले लेकिन अगर वो अजर चाहता है जवाब चाहता है तो अल्लाह की चाहता है तो, तो माफ कर दे तो माफ, माफ कर दे दरगुजर दरगुजर और देने बंदे को इख्तियार दे दिया गया यानी यूं कह लें कि दरगुजर जुजवे अखलाक तो है जुजवे कानून नहीं जीव जुजवे अखलाक है जुजवे कानून ठीक है और जैसा कि अर्ज किया था आपकी खिदमत में मैंने कि किसी मकसद को पालने का जरिया तो कानून हो सकता है कानून बजाते ही मकसद नहीं हो सकता बेशक ठीक है थानवी साहब अब जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया किमिबी यानी इसमें इसकी अगर आप गहराई में जाए जी तो देखें कि जनाबे रसूल सल्लाम के तहमल और बुरदुबारी के एक साहबी ने खत लिखवाया और मक्के भेजा खातून पकड़ी के जैसे अभी बताया लेकिन उसके बावजूद उसको माफ कर देना कि बदर में रहा है और कुरान पाक में रजी अल्लादान और बारह ब्लैक सर्टिफिकेट्स इन साहबाई कराम को अल्लाह ताली ने अता हैं। लेकिन इस तमाम वाकई में अच्छा जनाब रसूल सल्स वसलम के अगर आप सीरत तयबा का मताल करें जैसे आपने अभी फरमाया कि वो यहूदी औरत कूड़ा फेंकती थी ऊपर से और एक दिन वो कूड़ा नहीं फेंका तो हजू ने मालूम किया तो जाकर उसको उसकी अयादत की उस हसन अखलाक के नतीजे में वो मुसलमान हो गई शुभान अच्छा जनाब रसूल ताइफ तशरीफ ले गए ताइफ में अब्द यालील यूस मसूद तीनों जो वहाँ के सरदार थे उन्होंने औबाश लड़कों को पीछे लगाया पथराव किया हदी शरीफ में आया कि जनाब रसूल वसम के जूते खून से भर गए और जैद इबन हारिसा के साथ आप हवालिया मक् में पहुँचे और वहाँ पैर वगैरह धोए हजरत जैद ने तो उस वक्त जबरइर अमीन हाजिर हुए और जो मेराकुल जिबाल था पहाड़ों का फरिश्ता उसको साथ लेकर आए और कहा अल्लाह के रसूल आज अल्लाह ताला ने मेरे को जबाल को भेजाए आपके हुकुम का ताबे बनाकर आप अगर आप हुक्म दे, दे दें और आप इजाजत दे दें तो आज ताइफ की दोनों पहाड़ियों को मिला दिया जाए वहाँ की आबादी का बीज भी में बिट जाएगा लोग भूल जाएंगे कि ताइफ में कभी इंसान भी बसते थे तो जनाबे रसूल सल्ला फरमाया नहीं, नहीं मैं तो रहमत बना के भेजा की गुफ्तु रहेगी जारी जिस फरमाया असद थानवी साहब ने फिर वाक़ वो वही बयान फरमाया अखलाकियात हम उम्मती हैं जिस रसूल के अलैहि वसल्लम वो हमें इस अखलाक़ की तालीम दे रहे हैं ये उनके मुतालबे हैं हमसे कुरान करीम का हमसे ये मुतालबा है हम अगर उम्मती सच्चे हैं और अपने कौल के पक्के हैं तो हमें इतबा सुन्नत रसूल करना है ये कुरान का तकाजा है ना अल्लाह अगर ये चाहते हैं कि अगर इन्हें अल्लाह की मोहब्बत दरकार है तो इनसे फरमा दीजिए कि यह आपकी इतवा करें। लिए इतवा के लिए, लिए अफोधर जो कि हमारा आज का मौजूद है हमारे अखलाक तो इतने अच्छे होने चाहिए कि हमारे अखलाक को देखने के बाद गैर मुस्लिम ये कहे कि इनके अखलाक इतने अच्छे हैं तो इनके रसूल अखलाक कैसे आ रहे हैं ब्रिक वेलकम बैक खुतिनत पयाम सुब में एक बार फिर खुश आमदे तशीफ़ फरमाए मोहरम मौलाना मोहम्मद असद खान साहब और मोहतरम मुफ्ती नजीर अहमद खान साहब और मोहतरम नादीन आज जो मौजूद है दीड़ी। पयाम सुब का वह है अफुदरगुजर बहुत सारी गुफ्तु हो चुकी है बहुत सारी गुफतगु होनी बाकी है हम हालात हाजरत से भी जोड़ेंगे इस अपने मौजू को कि आज हमारे माशरे में क्या हो रहा है और उम्मत मोहम्मदिया का रवैया हम हम वो लोग हैं कि जो डेनमार्क में के एक अखबार में कार्टून छपते हैं तो हम हब्ब रसूल में सरशार होते हैं अलैहि वसल्लम और ये बहुत बड़ी नेमत है ईमान की वो सतह है कि जो बरकरार है अल्हम्दुलिल्लाह हम जुलूस निकालते हैं हम एहतजाज करते हैं लेकिन जब यह वक्त आता है कि हम रसूल करीम सलील वसलम के उसवे को अपनी जत पर नाफिस करें उससे रोशनी लें लोगों को माफ करें हजरत अनस आपके दस बरस से ज़्यादा ग़लम रहे पूछा गया कि आपने कभी एक मरतबा भी आपको डांटा मैंने मुझे कभी नहीं डांट सका डा, 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 डांटा आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पूछा गया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कि मेरा जो नौकर है उसे मैं एक दिन में कितनी मरतबा माफ कर सकता हूं Allah. तो आप फरमाते हैं वमा और सल्लाह का कामीन के कम अज कम सत्तर मरतबा मुफ्ती साहब ऐसा ही जी ठीक है अच्छा मुफ्ती साहब इस बात को जरा आगे बढ़ाते हैं हम तसल्लुत हो जाता है किसी पर तो बदला लेने का इंतकामी जज्बा जो इंसान के अंदर होता है वो और कराता है वो इंतकाम हमारी हार्ड डिस्क में मौजूद होता है लेकिन हम फतेह मक्का की तरफ आते हैं सरकार दो आलम सर वसलम की सीरत कदम कदम पे हमें ये बताती है कि तुम बदला लेने के मजाज हो छोड़ दो तो फतेह मक्का के हुआ कुछ लोगों के कत्ल के अहकाम भी जारी हुए वहां पर हुक्म यह था कि आप जहां यह देखें उन्हें कत्ल कर दो जरा इस पर भी रोशनी डालिए देखिए यानी एक दरगुजर कहां तक है जी जी देखें तारीख इंसानी के अंदर अगर आप देखें एक आदमी इंतहाई अखलाक और उसके अखलाक का आफो दरगुजर का मुजाहरा दोस्तों के साथ हो रहा है घर वालों के साथ हो रहा है तो यह कमाल नहीं कमाल ये है कमाल यह है कि बू मिलने के बाद क़वत हासिल होने के बाद दुश्मनों के साथ जो इसका रवैया था वो इंतकामी था या आफो दरगुजर का ठीक है आज हम अमन पसंदी के जो जोदारमबरदार हैं जो सरखेल हैं जिन्हें एवार्ड आलमी एवार्ड मिले हुए हैं ये देखें कि उनका जो किरदार है वो फिरौनी तर्स का है या अखलाक का जो आला तरीन मैार है आफो दरगुजर का क्या उसके मुताबिक है मेरे पैगंबर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से निकाले गए कत्ल की साजिशें हुई और बाकायदा उजरती कातिल उनके पीछे लगाए गए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी जायदाद थी सब पे कब्जा हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्के के मौके पे जब मक्के में आप आते हैं तो आपकी कोई जायदाद नहीं होती सब कुछ जब्त हो चुका था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हक था कि आप कानून के मुताबिक अपने दुश्मनों से इंतकाम लें लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ कर दिया फरमाया अल्लाह फरमायाल्ला तस्वीर तुम पर कोई हजरत यूसफला सलाम ने जिस तरह अपने भाइयों को माफ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने भाइयों को नहीं अपने दुश्मनों को माफ कर दिया यह है आला किरदार लिए उत्तम भी में मकारी मला लेकिन आफो दरगुजर कहाँ करना है कहाँ नहीं करना हर चीज का ताल्लुक उसके मकाम और मौके से होता है अजान कब देनी है नमाज कब पढ़नी है इसका तल्लुक वक्त से है मकाम से है कहाँ बाजह ऐसी होती है कि वहाँ आफो दरगुजर है बात जगह ऐसी होती है कि वहां आंफों दरगुजर इंतहाई मुनासिब एक आप एक शख्स को अपने बच्चे को देखते हैं वो इंतहाई शरारती है रुकता ही नहीं है बुराई से अब अगर हर वक्त उसको आप माफ ही करते चले जाएं, तो आपका ये माफ करना उसके उसको सरकश बना देगा लेकिन लेकिन अगर बच्चा अच्छा है एक ही दफा में कोई गलती हो गई और आप समझते हैं कि इस, इस माफ करने से इस बंदे की असलाह होगी तो उस मौके पे आप माफ कर देते हैं देखें कुरान है। करीम में जहां यह मस्कूर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लाह दरगुजर के नमूना हैं आपने जो वाकयात जो मैंने अर्ज किया है इन वाकयात में जहां माफी है तो वहां गजव तबूक में जो पीछे रहने वाले हजरात साहब के राम रजान अजमैन तीन वो आल सलादीन खुलफू हजाजाकत आलिम और दो बीमार हो गत रसूल करीम सल्ला वसलम ने फौरन माफ नहीं किया बल्कि आपने दिखाया कि देखे इस्लाह जरूरी है जब इसलाह उनकी हुई रसूल करीम सलम ने बाद में उनको मकसद इसला, मकसूद इसलाह है मकसूद इसला है और मकसद का हासिल करना है देखें अगले बंदे को अपना बनाना है यानी अपने मकसद का बनाना है दीन का बनाना है अब वो दीन का बनेगा किस तरह आप वो दरगुजर अभी करके या कुछ वक्त के बाद करके और देखें रसूल करीम सलम के वक्त में यमामा के एक बड़े सरदार यमामा के एक बड़े सरदार कैदी वन के मस्जिद में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उसके पास से गुजरते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं क्या करूं तुम्हारे साथ उन्होंने कहा उन्होंने कहा मोहम्मद अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो कत्ल करने का मैं मुस्तहक हूं लेकिन अगर माफ कर दोगे तो बड़ा एहसान करोगे पहले दिन पूछा माफ नहीं किया दूसरे दिन पूछा माफ नहीं किया तीसरे दिन उन्होंने उसने यही बात की रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया छोड़ दो इसे जाने दो ठीक है अब वो गया क्योंकि मकसूद था अंदर से बदल चुका है जी वो जी गया गुसल किया और आके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में मुसलमान हुआ और ये वही है जिसने दाना पानी मक्के वालों ने जो परेशान किया था हजरत महाजरीन और मदीने वालों को यही था कि दान, दाना पानी बंद करके मुशरकन को इस दर्जा परेशान किया इन्होंने कि जी आके मुशरक ने मक्का ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज जाना की कि खुदा के लिए यह वालों को कह दे कि वहां से हमारे लिए गल्ला रवाना करें जी हाँ बिल्कुल और मुसलमान ये माफ किया गया अल्लाह तशरीफाल कहा गया फरमाया गया, तो जवाबी तौर पर कुफर के कुफार के मुशकिन के बड़े बड़े सरदार मुसलमान हो गए और उससे दीन की कुवत में इजाफा हुआ कुछ सवाल ले लेते हैं हम जी असलम राशिद साहब जी हेलो जी नवेद साहब असलकुम वालेकुम असलम भाई जनाब फरमाइए अनिल भाई आज के मौजूम के मुतल बात को अभी आपने एक बात की है कि डनमार्क में कार्टून नबी पाकलम की कार्टून के मुतल आपने अभी बात जी जी उस मतलब शायद आप ये कहना चाहते हैं कि इस चीज को कोई मुसलमान माफ नहीं कर सकता जी बिल्कुल अपने ऊपर लगाए हुए इल्जाम या अपने ऊपर की जाति तो माफ हो सकती है लेकिन मेरे नबी के मुतल वो कार्टून बनाया या इस पर कोई मुसलमान भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता इस पर हम जानी कुर्बान कर सकते हैं इसलिए कि ये मेरे मेरे नबी मुझू की तोहन है मेरी तो ही तोहिन माफ कर सकता हूँ मेरे और किसी दोस्त के साथ कुछ मैं माफ कर सकता हूँ लेकिन मैं अपने डब्बी की जिसका मैं उठती हूँ इसलिए हमें जिसने हमें दुनिया में जीना सिखाया है जिसने हमें दुनिया में कलमा दिया है जिसने हमें दुनिया से अल्लाह अल्लाह के करीब हमें हमारे नबी अलैहि वसल्लम ने किया उसकी किसी सूरत बिल्कुल में किसी थीक थीक है। ये... नहीं बिल्कुल ठीक है बस मैं अच्छा दूसरी मेरा एक सवाल है मेरा छोटा सा सवाल है चीज उसको लमाब ने रखी का सदके के मुतालिक मैं एक बात करूंगा नीत भाई सदका जो है अगर कोई मुझे कहता है कि बाहर है वो मैं यहाँ पे उसकी जगह पर कुछ सदका दे दूँ क्या उस सदकी का जो, जो चीज भी है, वो क्या मैं अपने रिश्तेदारों में या किसी अपने दोस्तों में बांध सकता हूँ या कि सिर्फ के बात दे सकता हूँ ठीक अल्लाह ताली आपको जदाय खैर बहुत शुक्रिया जी सवाल सदके के हवाले सदके से। के बारे में यह है कि मालदार नहीं खा सकता यानी जो आदमी सदका कर रहा है और वो मालदार है वो उसके अहलोल नहीं खाएंगे इसी तरह उसके रिश्तेदारों में महले में जो गरीब हैं या नादार हैं मिसकीन हैं उनको दिया जाएगा अगर मालदार हैं तो नहीं दिया जाएगा बिल्कुल ठीक है साहब इससे पहले कि मैं आपकी खिदमत में अगर सवाल रखूँ खौतन हजरात में आज का जो सवाल है कोई इस कॉम्पिटिशन का मैं यहां बयान करना चाहता हूं वो सवाल यह है कि कुरने करीम की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है तीन ऑप्शन हैं पहला ऑप्शन सूरह बकरा दूसरा ऑप्शन सूर आल इमरान तीसरा ऑप्शन सूर्य निसा आप जानते हैं कि आप हमें टेलीफोन के जरिए ई मेल के जरिए और एस एम एस के जरिए अपने दुर्स्त ऑप्शन रवाना करते हैं अच्छा थाली साहब जरा सा अब हम आ जाते अच्छा, हैं अच्छा मैं एक बात आप ये बात अधूरी रह गई थी जो आपने सवाल किया और फिर ये इन कॉलर ने भी सवाल किया आपने फरमाया कि फतेह मक् में जनाबे रसूल सल्लाम ने फरमाया सल कि ला तसरीब आलकम फांतु मुतला का कि आज तुम्हें मैंने माफ कर दिया किसी से कोई बदला नहीं दिया जाएगा जो अपने घर के दरवाजे बंद कर दे उसको अमन है जो फला के मकान में दाखिल हो जाए उसको हमने कह लीजिए जनाब लेकिन साथ ही साथ हुकम दिया कि फला लोग जो हैं उनको कत्ल किया जाएगा अगर उबैतुल्ला के पर्दों में भी छुपे हुए हैं ये वो लोग हैं जो शातिमीन रसूल हैं जो जनाब रसूल सल वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते थे और गुस्ताखाना अशार कहकर कहते थे और उनका हदी शरीफ में पाँच या सात या नौ आदमी का तस्कर आता है जिनको पकड़कर कतल किया गया तो हजूर अक्रम सल वल फरमाया कि अगर ये बैतुल्ला के पर्दों में भी छप छुप जाएँ तो वहाँ से भी इनको निकाल के कत्ल किया जाएगा इबन खत्तल और इन लोगों को कत्ल किया गया तो कुरान पाक में मलूनना इनमा सुकीफू उखिजू व वकुतलू तब्तीला और हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर बड़ी लंबा कलाम किया है और असारिमसूल किताब लिखी गई है हाफिज़ इबन तैमिया ने लिखी है जिसमें उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर काफ़ी और इमाम इमामिक तो मशहूर जुमला है कि उस उम्मत की या उस कौम की क्या जिंदगी है कि उसकी जिंदगी के अंदर उसके हयात के अंदर उसकी सेहत के अंदर उसके ताकत के अंदर उसके रसूल की तरफ कोई ऐसी जो तरफ ऐसा कोई जुमला जो उठा जो हमारे हमारी इज्जत हमारे माँ बाप से बढ़कर हैं हमारे जान और माल से ज्यादा हैं जिन हमारी जान उन पर निशावर तो उम्मत एक मिनट उम्मत मुस्लिमों का मुतफिका फैसला है कि जनाब मोहम्मद रसूल सल्ला वसलम की शाम इस पर जहाँ उम्मत है अगर कोई आदमी किसी भी किस्म की दरीदा देनी करेगा तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा गाजी अब्दुल कयूम ने गाजी अब्दुल रशीद ने और अभी माजी करीब के अंदर जो हमारा ये मुमताज कादरी ने और बहुत सारे मुसलमानों ने इसका अमली सबूत करके दिखाया ठीक है अच्छा थोड़ा अगर यूँ कर देखें अगर कानून की पामाली हो रही हो तो हुमरान को या किसी को यह हक नहीं है कि वो जो है कानून की पामाल पामाली करने वाले को माफ कर दे लेकिन अगर जती हक तक कोई अखलाक जुजे अगर अखलाक मेरी जात की हक तक अगर कोई जो है मेरे हक को सलब कर रहा है तो उस सूरत में मुझे हक है कि मैं उसे अब ये जो शातिम रसूल की जो सजा है ये कानून का हिस्सा है अखलाक का हिस्सा नहीं है लिहाजा जब कानून का हिस्सा है मैं माफ कर दूं या मुसलमान मिलकर माफ करते हैं तो कानून पामाल करने वाले को हम माफ नहीं कर सकते और इसी बुनियाद पर यह जो दफा नंबर पैंतालीस है आपो दरगुजर के हवाले से ये जो हक दिया गया है आयन में यह भी काबिल कलाम है ठीक है कुछ सवालत ले, ले लेते हैं ये मुफ्तिजाबाद में एक जुमले का इजाफा कर दूं इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की हमारे मुल्क में जो हाकििम वक्त को माफी का इख्तियार है इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है इस्लाम में फर्द तो फर्द को माफ कर सकता है लेकिन हुकूमत फर्द के के मामले को माफ नहीं कर सकती जी बिल्कुल हजरत उमर फारूक रजाल उनका एहतसाफ हो सकता है सवाल किया जा सकता है कि ये उमर दो चादरें हैं तुम्हारे पास यहाँ से ये कहां से आई तो आप जवाब देते हैं कि दूसरी चादर मेरे बेटे ने की मैंने ली खौन हजरात ये बहुत बहुत ये ऐसी रोशन मिसालें हैं कि जो कदम कदम पर रहनुमाई करती है हमारी कुछ सवालत लेते हैं जी मसूद साहब असल जी फरमाइए अनिक हाँ, भाई आपसे एक वाले साहब के हवाले से आपकी मैं बात करना चाहूँगा ये अतीक अतीक साहब अतीक साहब जो आपके वाली मोहतरम जी तो बाकायदा मैं अपने उजमा कराम से भी उनको पहले सलाम जी जी और इनसे भी, इन भी मैं ये बात कहूंगा कि आपके वालिद के हवाले हाँ से के बड़े दीनदार और जी अच्छा नहीं मेरे वालिद का जिक्र तो, तो इस प्रोग्राम में नहीं हुआ अलहमद ये तो उन्हीं की का सबका है कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ यकीन, और यकीन, उन्हीं यकीन उन्हीं की हा, करे हा, और अल्लाह उनकी और उनसे और हमारे बुजुर्गों में फिर हमारे वाली के बड़े बुजुर्ग हमारे दादा में सिर तो जब भी आपका प्रोग्राम देखता हूँ तो वो मुझे याद आ जाते हैं बस बस आप सवाल हाँ सवाल ये है कि हम अपनी जिंदगी में रोजमर्रा जिंदगी में हम जब जाते हैं तो बहुत सी चीज हम देखते हैं तो हम उसको हम किस तरीके से रियलाइज कर सकते हैं माफ कर सकते हैं अच्छा एक तो ये बात अच्छा दूसरी एक सवाल ये है कि हजरत हमारे फारूक रही थाना के था हवाले से मैं बात कहूंगा कि वो रातों रात अपने इस बदल के निकला करते थे कि कहीं मेरी रियाया तो भूखी इतनी सो गई हो परेशान तो नहीं है ठीक तो इस हवाले से आज हम अपने हुक्मानों में ये बात देखते हैं तो तो हमारे हुकूक हमारे गजब इतने शिद्दत के साथ कह जाते हैं कि लोगों के रोटी पानी छीन हर चीज बड़ा मुश्किल हो जाता है महीना को जाना तो उसको हम किस तरीके से उसको ले सकते हैं अच्छा एक कॉलर और है मैं चाहता हूँ दोनों सवाल मिल जाए जी असलम जी वालेकुम जी वालेकुम अनिक साहब मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखती हूँ और दूसरा ये कि मेरा सवाल जो है थोड़ा सा लंबा है लेकिन मैं उसमें कोशिश करूंगी कि करके आपको बयान कर सकूँ अनिक साहब मेरा जो एक मेरी दोस्त है उनका सवाल है ये है तो उससे हट के मौजू से हट के लेकिन बहुत ही जरूरी है अनीक साहब मेरे मेरी दोस्त है उसका ताल्लुक अनिक साहब ऐसी जगह से है जहाँ मैं खुल के बात करूंगी के दिन सोते और रातें जागती है तो अनीक साहब उनकी वालदा जो थी उनका ताल्लुक भी उधर ही से था तो उनके उनकी वालदा की जो जायदाद थी वो उन्होंने अपनी बेटियों को दे दी लेकिन बेटों ने अनीक साहब उनके साथ इतना मतलब ये कि मरते दम तक उन्होंने अपनी वालदा को माफ नहीं किया और ये मेरी दोस्त जो है वो इतनी कंफ्यूज है इस सिलसिले में कि आप सिर्फ मुझे ये बता दें कि उनकी वालदा ने कोई ऐसा गलत काम किया है अगर उन्होंने बेटो हालांकि बेटे जो है वो माशा साबी हसीियत है बेटियां जो थी वो भी उसी माहौल से ताल्लुक रखती थी लेकिन उन्होंने अपनी जो कुछ था अपनी वालदा के लिए किया लेकिन बेटों ने अनिक साहब उनके लिए कुछ भी नहीं किया और अभी तक जो है वालदा के मरने तक भी ये, ये सवालत हम आ, अपने सामने रख बस ये आपकी तो मेहरबानी है कि आप इसका जवाब जी विश्व पहली जो बात उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह तौर की वो भीष बदल के निकलते थे और रात को ये तो बड़ा आला मकाम था हमारे जो हुक्मरान है वो तो उन नॉर्म्स को भी पूरा नहीं करते जो इस वक्त दुनिया में पाए जाते हैं दुनिया में हुक्मरान जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं अमेरिका का सदर आठ साल के बाद उतरा तो क्लिंटन तो उसके बाद रहने के लिए मकान नहीं था हमारे यहाँ जब पाँच साल या दस साल के बाद कोई सदर या वजीरम क्या पार्लियामेंटेरियन भी उतरता है तो करोड़ों अरबों रुपये कमा लेता है तो अब इनका इनका इस्लामी जो तलीमत हैं या हजरत उमर रजी अल्लाह तुम की जो सीरत है उससे इनका क्या वास्ता है दूसरा जो सवाल इन्होंने खातून ने किया उसमें ये कि देखिए अल्लाह ताला ने इंसान को उसकी जिंदगी के अंदर उसके माल का उस आ, मालिक बनाया है और लेकिन अल्लाह ताला ने यह भी कहा है कि उसको परमिशिबल चैनल्स में खर्च किया जाए जो अल्लाह का दिया हुआ माल है उसको नॉन परमिसिबल चैनल्स में इस्तेमाल ना किया जाए लेकिन एक आदमी अगर अपनी जिंदगी में अपना माल वब किसी को दे सकता है तो शरीयत ने उसकी इजाजत दी है लेकिन जैसे ही उसका इंतकाल होगा तो फिर उसका फैसला नहीं चलेगा अल्लाह का फैसला चलेगा इसीलिए हुजूर ने फरमाया ला लावसी था कि अगर कोई वारिस के लिए वसीयत करके जाएगा वो नाफिजलमल नहीं होगी अगर वो वसीयत करेगा कि मेरा मा, सा, सारा माल मसलन बड़े बेटे को दे दे नाफिजुलमल नहीं होगी तो व, व, विरासत में एक तिहाई में उसकी विल चलेगी बाकी में नहीं चलेगी तो इन हदूद और लेकिन जिंदगी के अंदर आदमी मालिक है वो जिसको चाहे दे सकता है ठीक है कुछ फरमाना चाहिए इसी सवाल को ये हैं कि कहाँ माफ करें कहाँ नहीं करें देखें इस्लाम आपको तहमुल की इजाजत तो देता है लेकिन बेगैरती की इजाजत नहीं देता इस्लाम ये चाहता है कि आपका इज्जत नफ्स बाकी रहे आपका इज्जत नफ्स बाकी रहे आप बाखार रहें माफ करके जैसे एक शख्स आपकी बहन को छेड़ता है आपकी वालदा को छेड़ता है और आप कहे जी माफ़ करना है यहाँ अपने आपको जलील करना है इसी तरह कुरानी करीम के आए थे अल्लादी ने तकबरु न फिलौद ब़ैर हक जो ना हक तरीके से तकबर करते हैं फरमाया कि अगर तकबर करने वालों के साथ हक तरीके से तकबर का मतलब यानी बावकार मुजहरा उनके सामने हो कि वो आपको जलील ना समझे तो ये अब तो जायज हो जाता है वो जायज हो जाता है अब इसी पे पे का तकबर को खत्म करने के लिए बन जाना जायज है बिल्कुल बावकार उसको हम अंदाज़ जी बाार अंदाजी वकार का मुजाह करना बिल्कुल जायज अब यह कि एक शख्स है मोहल्ले में जो गुंडा किस्म का है बदमाश किस्म का है एक इस तरह है कि मेरे साथ उसका वो मुझे जलील समझता है वो यही समझता है कि इसका काम इसको एक थप्पड़ मारो तो माफ करती है कुछ बोलता ही नहीं अब वो आता है कभी थप्पड़ मारता है कभी गालियां देता है इसलिए कि मुझे जलील सा अब यहाँ पे यहाँ पे जो उसूल होगा वो अलग होगा ठीक है यहाँ उसूल होगा वो अलग होगा और यहाँ पे ऐसी जगह के वहां मैं देखता हूं कि अगर इस बंदे को माफ कर दे तो ये इस्लाम के करीब सकता है का ताल्लुक बगैरती कि सरहदों से ना हो सरहदों से ना हो यकीन ठीक है बिल्कुल सही एक कॉलर को ले लेते हैं हम जी असलम अर्शद साहब वाले जी फरमाइए मेरा सवाल यह है क्या इस्लाम में कुराना जायज है अच्छा क्या इस्लाम में बिल्कुल जायज बिल्कुल जायज जनाब रसूल करीम सल्लासम अजवाज मतहरात में से कौन जाए उनके साथ सफर में जी तो शर्त लगाना ठीक है, ये है।, है। लग अच्छा क्योंकि आप प्रोग्राम के आखिरी मिनट चल रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि हम जरा हालत हाजरा पर आ जाए अब फुदरगुजर की बात की अब तक जो गुफ्तु आई अल्लाह ताला का हुकुम अल्लाह तबात अल्लाह तम से डिमांड है फिर हमने सामने रखी बात सीरत पाकल्ला हम उम्मती हैं और हम ये हम पर हम पर आयद होती है ये बात कि हम उनके उस पर चलें आज हम क्या देख रहे हैं पूरे आलम इस्लाम में और खास तौर तो पे पाकिस्तान में सड़क पे निकल जाइए गाड़ी अगर टच हो गई और ऐसे निकला जाता है गाड़ी से जैसे पता नहीं कौन से बदले लेने हैं कोई अफुदरगुजर नहीं कतार में लगना भूल गए हैं सगे रिश्तेदार बहन भाइयों को माफ नहीं किया जा रहा आपस में इस इन तमाम मामलात से दूरी के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जा जाए मुफ्ती साहब मुख्तर तरीका अपनी हकीकत को देखो सामने वाले की हैसियत को देखो अपनी हैसियत सामने होगी सामने वाले की हकीकत सामने होगी तो कभी माफ नहीं करूँगा आफ़ो तब हो सकता है जब इंसान के अंदर जब्त हो आफो तब हो सकता है जब इंसान के अंदर रहम हो एहसान हो एहतराम इंसानियत हो इंसानियत की हमदर्दी हो मैं जब निकलूँ तो मैं ये समझू कि मैं कुछ नहीं सामने वाला जो है वही सब कुछ है और उनको मैं एहतराम दूँ इज्जत दूँ उनके हक में अगर मेरा जो हक है एक शख्स ने मेरे हक को मारा है मेरी गाड़ी मार दी मुझे बुरा भला कह दिया तो अगर मैं इसे माफ कर दूं तो यह है मेरा मेरा आला अंदाज लेकिन लेकिन जाहिर है अफो के लिए जरूरी है जब्त और जब्त क्या है वो उसका ताल्लुक दिल और जबान से यह जो आजकल तनकीदों का सिलसिला शुरू हुआ है ना सबसे बड़ा हक परस उसे कहते हैं जो नंगे अंदाज में दूसों पर तनकीदें करें खुदा के लिए ये जो तनकीद हकूमत पे हो या हजरत सदर साहब पे या किसी पे भी हो थोड़ी देर के लिए एक दो महीने के लिए इसे छोड़ दें कि मैंने किसी पर तनकीदी नहीं करनी अपने अयूब में इतने गुम हो जाओ कि दूसरों के जो अयूव हैं वो तुमसे गायब हो जाएं तो ये ये चीज अगर हासिल होगी तो इन शह आप उदर गुजर भी आएगा वरना ये कि हम देखते हैं वो भी बड़ी, बड़ी बदमाशी कर रहे हैं और हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं हमें भी बड़ा बदमाश बन रहा है अगर, तो अगर बंदा अपनी इसलाह कर ले तो माशरे पर बहुत बड़ा एहसान होगी बेशक बेशक यही बात मेरा फरमाइए दर गुजर के लिए इस वक्त क्या करना चाहिए हमें देखिए आपने एक पहले प्रोग्राम सब्र के ऊपर किया था सब्र अगर इंसान के अंदर पैदा हो जाए सब्र की दौलत अल्लाह ताली अता फरमा दे तो फिर अफ़वो दरगुजर करने वाला वो बन जाएगा हमारे हमारे अगर अपने मुशरे की आप बात करें पाकिस्तान में जहाँ हम रहते हैं जहाँ हमारा मरना जीना है तो हमारे अफव दरगुजर बहुत कम है उसका सबब क्या है उसका सबब यह है कि हमें हमें स्कूल में कॉलेज में यूनिवर्सिटी में तर्जमा कुरान पढ़ाया नहीं जाता हमें हदीस पढ़ाई नहीं जाती हमें इस्लाम के असूल अखलाक बताए नहीं जाते तो हम कैसे एक ऐसा मुशर तशकील दे सकते हैं जनाब रसूल सल्ला वसलम की मंशा के मुताबिक अमल करे यानी उसमें सब्र भी हो और आफू अदरगुजर भी हो जब तक कि हम उसको कुरान नहीं पढ़ाएंगे हदीस नहीं पढ़ाएंगे इस्लामी तारीख नहीं पढ़ाएंगे इस्लाम के अखलाक नहीं पढ़ाएंगे थानी साहब आपकी बात बहुत अच्छी इस पर दो आरा नहीं हो सकती कुरान करीम पढ़ना पढ़ाना समझाना तफासिर के करीब आना अहादी रसूल करीम से करीब आना लेकिन चलते फिरते एक रोल मॉडल नजर आते थे माशरे में जी बहुत अच्छी बात है अगर आप थोड़ी सी इजाजत देने अर्ज कर मेरा अच्छा आप फरमाइए देखें उसूल अखलाको जो पढ़ाए जाते हैं वो इस्लामी छोड़ दें आजकल जो रोल मॉडल हैं या आइडियल हैं वो कौन है फिल्म ये फिल्म के नंगे फनकार और फनकार आए नहीं देख फिर यहाँ पर इल्जाम की बात ठीक है नहीं हम उनकी बात नहीं कर रहे क्या मैं रोल मॉडल हूं इस माशरे का हजरत अली करमल्ला वह जो फरमाते हैं कि बेहतरीन आदमी वो है कि जिसके अमाल बेहतरीन है वरना अच्छी बातें तो बुरे लोग भी कर लेते हैं यकीन, ठीक यकीन। बलागा में मौजूद है ये कौन अब सवाल मेरा सिर्फ यह है कि ये जो अब आप बिल्कुल ठीक है कि इंडियन मॉडल्स रोल मॉडल बन गए हैं वगैरह वगैरह हम उन पर बात नहीं करते कोई एलिगेशन नहीं क्या हमारे माश्रों में हमारे महलों में वो लोग नजर आते थे ना कि उनके सामने हम सिगरेट नहीं पी सकते थे, थे बचपन में क्योंकि एक बुजुर्ग का मयार वही होता था जो तो हमारे वालिद का बेशक बेशक कि बेशक, इनकी अहमियत भी वही है जो मेरे वालिद की ये मुझे डांट सकते हैं मुझे मार सकते हैं लोग जुड़े हुए थे उसकी वजह यह कि ये हाजी साहब ये बड़े साहब ये मौजूद हैं क्या हमारे माशरों में वो रोल मॉडल पैदा होने जारी हैं माहौल तब्दील हो गया है तब्दील हो गया तब्दी... हमारी कमजोरी है ये जो माहौल तब्दील हुआ ये यही तरबियत की वजह से आप एहतराम रखते थे और आज एहतराम नहीं रखा जा रहा वजह क्या है तरबियत के का जो मयार है वो बदल गया पहले पहले दीनी... सिखा पहले, के के पहले, पहले दीनी असूलों के मुताबिक तरबियत होती थी अब मगरबी माशरों और उनके तर्ज के मुताबिक तरबियत होती है यही वो यही वो वजह है जिसने अंदर से जो है वो जाहिर में एक आदमी खोखली होती, होती जा रही है मुफ्ती साहब एक पर्ची आप निकाल दीजिए आपको जहमत होगी और फिर असद थानवी साहब उस खुश नसीब के नाम पर ऐलान करेंगे खौतिन उजरात जिसकी खिदमत में दुनिया टी वी की जानब से गिफ्ट टैम पर रवाना किया जा रहा है जी थानवी साहब जी बिस्म राज नाम है अब्दुल सत्तार खोसो कराची से अब्दुल सत्तार खोसो साहब कराची से आपकी खिदमत में गिफ्ट रवाना किया जा रहा है खौवाजरा आज हमने बात की जिस मौजू पर वो मौजू अफोदर गुजर था महदूद वक्त में ला महदूद बहुत सारी मोटी मोटी बातें सामने आईं लेकिन मैं इस प्रोग्राम का अख्ताम सिर्फ एक दुआ से करना चाहता हूँ कि वो दुआ जो हमें सिखाई हमारे रसूल कर और वह दुआ यह है कि अल्लाफून तहिब्बुल अफवाफवा और यह दुआ अक्सर हम शब कदर में पढ़ते हैं और हमें ताकीद की गई है कि इस शब कदर में इस दुआ का विरध जारी रखें कि अल्लाह तू माफ करता है तुझे माफ करना पसंद है तो तू मुझे माफ कर दे बड़ा इंसान वो नहीं कि जो किसी दुश्मन पर काबू पा ले बड़ा इंसान वो है कि जो अल्लाह की खुशनूदी के लिए अपने दुश्मन को माफ कर दे और उस अजर का का तलबगार वो अपने मबूद से हो खतिन हजरा जब तक इन चीजों पर हम बातें करते रहेंगे मैं तो कहता हूं इसे लफ्जों की जुगाली सिर्फ लफ्जों की जुगाई करते रहेंगे तो हम उस मकसद तक नहीं पहुंच सकते कि जो एक सही मानों में इस्लामी इंसानी और एक रोशन मुआशे की तश्कील में मददगार साबित हो सकता इकबाल बड़ा उपदेशक है मन बातों में मोह लेता है गुफ्तार का गाजी ये तो बना किरदार का राजी बजीना आमनु लिमा तक माला तफलून के ईमान वालों वो बात क्यों कहते हो जिस पर अमल पैरा नहीं होते हम उम्मत मोहम्मदिया वसल्लम का हिस्सा हैं और सरकार दो आलम वसल्लम के हर हुक्म की इत्तेवा हम पर फर्ज कल इनशा तमारा प्रोग्राम होगा सवाल और जवाब के तलु से कल हफ्ता है और हफ्ते का दिन मखसूस होता है आपके सवाल होते हैं और उल्मा कराम के जवाब कल हमारे साथ तश्री फरमा होंगे मोहतरम मौलाना साद थानवी साहब और मुफ्ती मोहम्मद इरशाद साहब कल तक के लिए अपने मेजबान अनिक अहमद को इजाजत दीजिए खुदा